महमूद भाई आज हमारे बीच में। महमूद भाई अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया बहुत बहुत आपकी प्रेजेंस का। ये हमारी टीम के बड़े सीनियर मेंबर हैं, काफ़ी दिनों से इनको मैं कन्विंस कर रहा था, आज मैंने लिखा हूँ। थैंक यू सर, शुक्रिया सर बहुत बहुत आपकी आमद का। अच्छा, आज थोड़ी सी डिस्कशन में ये करना चाह रहा था कि बहरिया में कमर्शियल का ऐसा बहुत बूम आया हुआ है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आज से 2-2.5 साल पहले लॉन्च हुए थे, डिलीवर भी हो गए, और बहुत से रेजिडेंशियल कमर्शियल मिक्स कॉम्प्लेक्सेस भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो आप क्या देखते हैं महमूद भाई कि आगे इनका क्या फ्यूचर है, और काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं, इनमें क्या तनासब रहेगा लोगों की इन्वेस्टमेंट का, और इस पर रिटर्न होने कैसे मिलेंगे, और जो भी उसके बाकी चीज़ें हैं उनके बारे में कैसा आप फील करते हैं? देखिए हमायूं भाई, आपको भी पता है कि ये एक वेल नोन सोसाइटी है और बहुत बड़ा, एक एशिया का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो ज़ाहिर है इस कम्युनिटी को कमर्शियल लेवल पे बहुत सारी चीज़ों की अभी ज़रूरत है, जिसमें आपके जो कॉपरेटिव ऑफिसेज वगैरह, शॉपिंग मॉल्स, इसके अलावा जो भी आप समझ लें ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से और शोरूम्स वगैरह, यानी कि हर जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो इनको चाहिए, और ये चीज़ ज़ाहिर है आप उस वक्त ही आप इनको डिलीवर कर सकते हैं जब आप उनको प्रॉपर तरीके से लॉन्च करेंगे। तो 2-2.5 साल पहले कुछ भी नहीं था बहरिया में, स्पेशली मैं जिना जो एवेन्यू पे कमर्शियल है इसके हवाले से मैं बात करूं, या थ्रू आउट आप देख लें बहरिया को, प्रेसिडेंट के बाहर आप मेन गेट से स्टार्ट हों और बिल्कुल एंड तक स्पोर्ट्स सिटी तक चले जाएं, जो फ्रंट पे है, जो जिना एवेन्यू पे जो चीज़ें आ रही हैं वो सारा ही कमर्शियल है। तो ज़ाहिर है ये इस सोसाइटी की, ठीक है, जो कह लें कि एक मॉडल टाउन बनने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो ये ज़रूरत है। कमर्शियल जो सेक्टर है ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा इसकी अशद ज़रूरत है। बाकी कराची आप देख लें, हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है सारा, पूरे पाकिस्तान को इस वक्त वो कह लें कि चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं, सारा कुछ है, तो वो चीज़ें डेफिनेटली यहाँ पे भी आएंगी। इसमें आप ग्रॉसरी से लेकर, ठीक है ना, और हाई लेवल की जो भी हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें हमें एक प्लेटफॉर्म में या एक टाउन के अंदर मिल जाएँ तो वो हमारे लिए और भी ज़्यादा अच्छा है। अब 2-2.5 साल पहले अगर 2-4 ऑप्शन थी यहाँ पे, तो ज़ाहिर है अब ये जो प्राइवेट प्लाजाज वगैरह बन रहे हैं, इसमें भी देख लें कि आपको ऑफिसेज दिए जा रहे हैं, शॉप्स भी दी जा रही हैं, और इसके अलावा शोरूम्स भी हैं, तो जो बन चुके हैं इसमें भी कह लें कि मल्टी किस्म की जो चीज़ें आ चुकी हैं, लाइक आप रेस्टोरेंट्स बन गए हैं, सलून्स बन गए हैं, ट्रैवल एजेंसीज आ गई हैं, और इसी तरह ये गाड़ियों के शोरूम्स वगैरह आ गए हैं, बाकी कॉर्पोरेट ऑफिसेज भी हैं, लोग यहाँ पे बैठ के आउटसोर्स भी कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें बेसिक ज़रूरत है इस सोसाइटी के लिए, तो आई थिंक सो इसमें टाइम तो लगेगा, लेकिन ये चीज़ें आपको टाइम टू टाइम इसको आने वाले दिनों में या फ्यूचर में आपको कह लें कि एक इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इसकी सोसाइटी की बेसिक नीड है, वो आप इंशाल्लाह फुलफिल करेंगे तो ये और भी 4 चांद लग जाएंगे सोसाइटी के। अच्छा, एक थैंक यू, बड़ा अच्छा आपने तजर्बा दिया। एक चीज़ मैं और पूछना चाह रहा था कि यहाँ पे जितने भी प्राइवेट बिल्डर्स अब कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, जिस तरह LPR वाले हो गए, लिबर्टी कमर्शियल के ऊपर वो बन रहा है, उसके बाद आपके पास डोमिनियन ट्विन टावर्स हो गए, उसके बाद आपके पास GM आइकॉन हो गया, काशिफ प्रॉपर्टीज़ का बिल्कुल थीम पार्क के सामने, काफ़ी हाई राइज KDPA। इन लोगों के मिक्स्ड कॉम्प्लेक्सेस हैं, नीचे इनमें शॉप्स भी हैं और शॉपिंग मॉल्स हैं प्रॉपर, अबुल कासिम का मेन जनाह पे काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। लोगों की जब क्वेरीज आती हैं तो उनकी बैरिया हाइट्स के बारे में बड़ी मिक्स्ड फीलिंग्स होती हैं, वो कहते हैं यार नीचे कमर्शियल है, ऊपर अपार्टमेंट्स हैं तो प्राइवेसी इशूज़ होंगे। तो जिस तरह शहर में देखा है आपने कराची में, वो एक डिफरेंट एक अंदाज पर चीज़ें बनी हुई हैं, उनकी कोई कंट्रोलिंग बॉडी नहीं होती। तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं बहरिया का, जहाँ तक अभी तक हमने देखा है वो काफ़ी कंट्रोल करता है, हर चीज़ के SOPs देता है ताकि रेजिडेंट्स को भी परेशानी ना हो और ऑफिसेज वालों को भी परेशानी ना हो, तो आगे इस नौयत में क्या किरदार अदा करेगा बहरिया, और किस तरह इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाएगा और लोगों को किस तरह फैसिलिटेट किया जाएगा ताकि उनकी प्राइवेसी भी हर्ट ना हो और बिजनेसेस भी बूम करें। सबदे भाई, इस पर आप भी थोड़ा सा अपना मुझे बताइएगा, महमूद साहब के साथ, कि आप क्या सोचते हैं। जी महमूद भाई, पहले आप जी जी लिंगरन करें। इसमें मैं यही कहूँगा, जैसे अब आपने 2 क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं, एक तो ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहे हैं प्राइवेट प्रोजेक्ट्स,
तो उसमें मैं बता दूं कि आप कह रहे हैं कि शॉप्स वगैरह नीचे मार्केटिंग है, मार्केट के लिए उन्होंने जो चीज़ें प्रोवाइड की हैं फ्लोर वाइज, और उसके बाद फिर रेजिडेंशियल ये चीज़ें दी, तो ये भी मैं समझता हूँ कि ज़रूरत है। ठीक है, उसमें ये है कि आपको शोरूम्स भी दे दिए हैं, रेस्टोरेंट्स भी दे दिए हैं, होम अप्लाइंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप्स भी दे दी हैं, नीचे पार्किंग भी है, तो ये मल्टी स्ट्रक्चर जो है ना सारा, ये सारा एक कम्प्लेक्स है। एक चीज़ आपको आपके कह लें कि वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल रही हैं, या अंडर द फ्लोर आपकी चीज़ें सारी मिल रही हैं, हर चीज़ मिल रही है। रह गई बहरिया हाइट्स के हवाले से बात, मैं समझता हूँ ये जिस प्राइवेसी की आप बात कर रहे हैं, अब तक जो प्राइवेट प्रोजेक्ट बन चुके हैं बहरिया के अंदर और जो बनने जा रहे हैं या इसी तरह बहरिया हाइट्स में, तो बहरिया की कुछ SOPs हैं, कुछ प्रपोज़ल बहरिया आपसे रिसीव करता है, उस बिहाफ पे ही आपको यहाँ पे बिज़नेस वगैरह करने की इजाज़त दी जाती है। अब ऐसा नहीं है कि बहरिया हाइट्स के नीचे होगा जी कोई मैकेनिक की शॉप आ जाएगी या किसी कारपेंटर की शॉप आ जाएगी, ठक ठक ये वो इस तरह की चीज़ें नहीं, उनकी जो SOPs में है या उनके लिए जो प्रपोज़ल एक्सेप्टेबल हैं उन्हीं को वो देंगे कि या तो आप अपनी शॉप रेंट आउट कर दें या फिर आपने जो बिज़नेस करना है वो इस नौीयत का करना है। तो डेफिनेटली जो आप ऊपर रह रहे हैं या बहरिया हाइट्स की जो कम्युनिटी होगी उनसे मिलती जुलती सारी चीज़ें, या बहरिया हाइट्स से जो प्रीसेंट 10A की गैलरी है कितनी दूर है, ग्रॉसरी वगैरह लेनी है, लॉन्ड्री वगैरह का या दूध दही डेयरी जो चीज़ें हैं वो मोस्टली तो आपको वहाँ से मिल जाएंगी। यहाँ पे जो नीचे वाली चीज़ें होंगी बहरिया हाइट्स की, मैं समझता हूँ कोई गिफ्ट शॉप हो जाएगी, कोई स्टेशनरी की शॉप हो जाएगी, बच्चों के लिए कोई किड जोन वगैरह बन जाएंगे, इस तरह की चीज़ें होंगी या कोई टक शॉप्स होंगी, तो ये सारी चीज़ें वहाँ को वहाँ के प्रपोजल के समझ आती है बहरिया हाइट्स की। यही चीज़ें ज़रा एक्सट्रीम लेवल पर मैं बात करूँगा, ज़ाहिर है एक मॉल बना है, मॉल के अंदर रेजिडेंशियल जो कम्युनिटी होगी उनके लिए हर चीज़ यहाँ पे चाहिए, तो वो डाउन द फ्लोर आपको चीज़ें मिल जाएंगी सारा कुछ। और मैंने ये इसलिए जो है ना इनको बोलने को कहा था क्योंकि इनके पास जो है ना काफ़ी सीनियर मेंबर होने की वजह से अफेक्टिव इन्फॉर्मेशन थी, तो इसलिए जो है ना इनका काफ़ी नॉलेज हमें लेना था और आगे भी इसको जो है ना वो प्रोवाइड करना था। तो बहरिया हाइट्स के हवाले से जो महमूद भाई ने बात की बिल्कुल सही है कि वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक कुछ मार्केट्स होंगे, ये नहीं होगा कि आपको जो है ना वो हर चीज़ वहाँ पे नहीं मिलेगी, तो उनको कवर करने के लिए जैसे मिडवे कमर्शियल बनाया जा रहा है और उसके बाद जो है जो भी शॉपिंग मॉल्स या आपको ये ऑफिसेज मिडवे के सॉरी मेन जना एवेन्यू के ऊपर, उसके अलावा थीम पार्क कमर्शियल में जो प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं वो इसी जो है ना हवाले से बनाए जा रहे हैं, ताकि कोई भी अगर बहरिया के अंदर आता है तो उसको वो चीज़ लेने के लिए कराची ना जाना पड़े। तो अब मिडवे कमर्शियल में जैसे और यहाँ पे भी बैंक्स बन गए हैं, उसके अलावा पेंट्स की डिस्टेंपर वगैरह और टाइल्स की, इस तरह कंस्ट्रक्शन के लिहाज से भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी जो है आप कहने खरीदो फरोख्त आप मिडवे कमर्शियल से भी कर सकते हैं। मिडवे कमर्शियल में तो मैंने देखा है जोटन वालों का पूरा शोरूम है, मास्टर्स का, मास्टर टाइल्स और सैनिटी वेयर का पूरा शोरूम है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज खुल गई हैं, इवन के मेरे ख्याल दुबई इस्लामिक बैंक भी वहाँ आ गया। जी जी बिल्कुल। उसके अलावा मिडवे कमर्शियल ए साइट पे भी अस्करी बैंक और सेंट बैंक भी आ गए हैं, तो बैंक्स भी आ गए हैं। और यहाँ पे आपको बैरियर टाउन अगर हाइट्स की बात करते हैं, प्रोजेक्ट हाइट्स है, वहाँ पे आपको एक लिमिटेड सा ही काम मिलेगा, वो भी जिस तरह आप गैलरी की बात करते हैं, गैलरी के अंदर आपको एक लॉन्ड्री मिल गई या फिर उसके अलावा कोई साथ में एक स्टोर आ गया, यानी आपके कहने का मतलब ये कि किसी किस्म की डिस्टरबेंस नहीं होगी, कोई न्यूसेंस नहीं बिल्कुल रेजिडेंट्स के लिए। हाँ, जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं शॉपिंग गैलरी में आप देख लें कितनी गहमा गहमी है, गैदरिंग नहीं है इतनी, वो भी प्रॉपर SOPs फॉलो कर रहे हैं, एक टाइम टेबल रखा हुआ है, ठीक है, और उसको फिर मेंटेन करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक्शन है बहरिया की तरफ से, ठीक है, वो उसके पाबंद है, उस सारे उसी सिस्टम के अंदर ये सारी चीज़ें चलेंगी और बड़े स्मूथ तरीके से चलेंगे। बाकी जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के हवाले से जो चीज़ें हैं ये आने वाले दिनों में ज़रूरत हैं, वो सारी चीज़ें ओपन हो रही हैं। जिस तरह की एक सॉरी बात करें एक पूरी मार्केट है वो जाके कह लें कि मिडवे कमर्शियल ए में बी में उन्होंने सेटल होना है, जिना एवेन्यू पे जो चीज़ें आएंगी वो फिर उसी कमर्शियल लेवल की जो रिक्वायरमेंट होगी वो चीज़ें जिना एवेन्यू पे, जिना एवेन्यू पे मोर ऑफ अ कॉर्पोरेट कल्चर होगा मेरे ख्याल। इन फ्यूचर मैं देख रहा हूँ कि कॉल सेंटर के ऑफिस जो हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं, बिकॉज रेंटल्स उतने नहीं हैं जितने शहर में, और दूसरा ये कि पार्किंग का प्रॉब्लम नहीं है, तीसरा ये कि किसी किस्म की डर व खौफ नहीं है कि भाई मैं मेरे साथ कुछ हो जाएगा या मुझे, मतलब जो है एक शहर में तासर आजकल। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी,
जो है अनइंटरप्टेड है पावर सप्लाई उसकी, बिल्कुल सही, पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ा प्रॉपरली मैनेज करके इसको बनाया है। तो और दूसरी चीज़ ये कि ये जो प्राइवेट बिल्डर्स थे, जो बहरिया के ट्रस्टेड प्राइवेट बिल्डर्स थे, इन्होंने उन लोगों को भी इनडायरेक्टली बहुत कुशन दिया है जो फाइल अफेक्टेड लोग थे, जिनकी फाइल्स आउट ऑफ बाउंड चली गई थी या जो कैंसलेशन में भी इवन चली गई थी, उनको अभी तक वो पिछले 2-2.5 साल से 100% मर्ज करते आए। और उनमें से कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, 2-3 लोगों को जिन्होंने काफ़ी पहले ये मर्जिंग कराई थी और अब वो रेंटल वैल्यू इंजॉय कर रहे हैं मंथली अपने, बिल्कुल इसी तरह है। और वो बहुत मुतमईन है। असल में हमारी सोसाइटी का डिलेमा यह है कि कोई बुरी चीज़ होती है वो आग की तरह फैलती है, लेकिन अगर कहीं आप अच्छी चीज़ करते हैं तो वो लोग कर तो लेते हैं लेकिन उससे डिस्कस नहीं करते, उससे स्प्रेड आउट नहीं करते, लोग फायदा उठा लेते। तब ये एक फोबिया बना हुआ है कि जी पहले ही अफेक्टेड हैं और दोबारा कहीं जाके फंस जाएं। तो मेरा नहीं ख्याल, मैं इससे इतफाक नहीं करता, क्योंकि एक तरह से आप बहुत सिक्योर हो रहे हैं बिकॉज ये प्रोजेक्ट्स डिलीवर होने ही होने हैं, बिकॉज बिल्डर्स की जो रेपुटेशंस हैं वो ऑन द लाइन है, बिकॉज उन्होंने यहाँ पे बहुत प्लॉट्स लिए हैं, एक सीरीज़ ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं। जो भी बिल्डर यहाँ आता है वो कोई एक प्रोजेक्ट नहीं करता, वो कम से कम 2 या 3 प्रोजेक्ट्स करता है, और ये अभी तक प्रूवन बात है, बिल्कुल इसी तरह। तो एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च हुआ है UBN के नाम से, जी बिल्कुल, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे जो मेन चीज़ है उसकी वो लोकेशन है और डिस्टेंस है। तो बिल्कुल मेन गेट से आप 2 से 3 मिनट का जो है ना वॉकिंग डिस्टेंस पे वो प्रोजेक्ट आ रहा है, और इसकी लोकेशन में आपको सुपर हाईवे और इसके अलावा जो भी AQ के सामने प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वो, और मेन गेट का जो व्यू है उस सब को वो कवर करता हुआ, ग्रैंड मॉस को वो सब को कवर कर रहा है, उसकी जो क्रीम लोकेशन है। उसके बाद अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो इस UBN ट्रेड टावर ने हर अफेक्टी को और हर जो है ऑन कैश पे लेने वाले को बहुत ज़्यादा फ़ायदा वो देने वाला है और दे भी रहा है। पहले भी ये प्रोजेक्ट्स जो है ना स्लम स्टेट एंड बिल्डर जो पहले भी प्रोजेक्ट्स करते आ रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ना अब कह लें मेन गेट के ऊपर इनका जो प्रोजेक्ट है इसी वजह से। तो क्लाइंट्स के इसी तासुब और इसी ट्रस्ट की वजह से ये आप कह लें कि आगे अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो जा रहे हैं, और आने वाले वक्त में भी इसको डिलीवर करेंगे। इनकी अपनी ही सारी टीम्स हैं, बिल्डर भी ये खुद ही हैं। तो यही है कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि ये लोकेशन सबसे अच्छी है, और एक होता है कि काम कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो जैसे लोगों के पीछे से सप्लाई पैसे की बंद हुई तो काम को बंद कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। जो एक टाइम लिमिट दी गई है उसके अंदर जो इसको वो मुकम्मल किया जाएगा। आज से अगर आप 2 साल पहले जाते हैं तो आपको एक अली प्लाजा बना हुआ था या एक डोमिनियन का काम वो स्टार्ट हुआ था, उसके अलावा आपको कोई प्रोजेक्ट नज़र नहीं आ रहा था। अभी आप देख लें 2 साल या आप कह लें 2 साल 6 माह के बाद आपको तकरीबन कोई 10-12 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि जिनकी कंप्लीशन हो चुकी है, तो आने और बाकी कोई 10-15 ऐसे भी है जो अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं। तो फिर आने वाले दिनों में आप कह लें कि 1 या 1.5 साल के अंदर अंदर आपको मेन जना एवेन्यू पे कुछ प्लॉट्स ऐसे मिलेंगे जो कि खाली होंगे। तो मेरा तो यही कहना है कि क्रीम लोकेशन होने की वजह से लोग इधर आएँ, इसको विज़िट करें, फिर अपना जो है ना वो माइंड मेकअप उसका खुद ही हो जाएगा। शुक्रिया सत्य भाई। महमूद आपका क्या इस पर वो है? मैं यही कहूँगा हमारे साहब कि यहाँ पे 2-3 बिल्डर्स ऐसे हैं जिनकी बकायदा कमर्शियल एक्टिविटीज़ के हवाले से या प्लाजाज के हवाले से बकायदा एक सीरीज़ बनी हुई है, ठीक है। UBN उनमें से एक है और हम लोग इस पर काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आने वाले वक्त में अभी UBN 1 है, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, ठीक है ना, उसके लिए भी हम जगह अपनी वो देख चुके हैं, ठीक है ना। तो बस यही वो आप वाली बात कि जो फोबिया माइंड में बैठा हुआ है, नेगेटिविटी है कि एक बंदा फंसा हुआ है या उसके साथ ये मसले मसाइल हैं, चीज़ें डिलीवर नहीं हुई, तो मैं ये समझता हूँ कि चलें वो जो हो गया सो हो गया। अब सूरत हाल है कि अब मज़ीद आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ कि लोगों ने लॉकडाउन से पहले उनको मैच्योर किया है जो मर्जिंग की फाइल थी। अब बात है कि जो अफेक्टिव हैं उनकी समझ आ रही है, उनको भी किसी ना किसी तरह बहरिया वो कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है, या तो आप मर्जिंग करवा लें, ये भी उन्हीं के प्रोजेक्ट हैं, एट द एंड बहरिया ने बहरिया की एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको टेक ओवर करना है ना, ये कमर्शियल प्रॉपर्टीज जितनी भी है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप रिफंड की तरफ जाते हैं, भले वो आपको लेटर ऑन दे रहे हैं या प्रॉपर तरीके से आपको नहीं दे पा रहे, ठीक है,
इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे बैरिया एट द एंड थोड़ा सा बच जाए, इतनी बड़ी सोसाइटी कॉम्पैक्ट हो जाए सारा कुछ, लेकिन ये जो मॉडल थिंग है ना, जो मॉडल वर्ल्ड होगा बैरिया टाउन कराची के लिए, बाद में लोगों ने यही कहना है कि हमारा इस तरह था बैरिया के अंदर, अब नहीं है, होना चाहिए था, ठीक है। और तब रेट ऐसे होंगे कि सोच है आपकी बिल्कुल ऐसे। ठीक, अब ये जो जिना एवेन्यू पे मोस्टली जो बन रहे हैं 12 से 15 फ्लोर से बन रहे हैं, इसी तरह मेरे ख्याल यूबीएन का भी यही है, ग्राउंड प्लस 15 है, डोमिनियन भी इसी तरह है, एक दो और भी है सारा, तो इसके अंदर भी आप मल्टी टाइप वो अपने जो भी बिजनेस वगैरह हैं, या इवन के कुछ ऐसे भी मैंने देखे हैं जिसमें बाकायदा अकेडमीज हैं, ठीक है। मिडवे में एक स्कूल ऑपरेशनल हो चुका है, लिंग्विस्टिक स्कूल्स हैं जो वो चल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये जो रिक्वायरमेंट है और इन चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा। और ये जो बनी हुई ना नेगेटिविटी है, वही बात कि अच्छाई को छोड़ के बुराई को ही बस पिन किया जा रहा है, ठीक है ना, ये चीज़ें फिर शॉर्ट टाइम के लिए होती है, इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, बिल्कुल ये शॉर्ट टाइम है। और ये चीज़ें बहरिया के लिए इनिशियल स्टेज पे है, मैं कहता हूँ आने वाले 50 साल में ये काम होता रहेगा। असल में एक्सेप्टेंस जो है वो थोड़ा लेवल कम है इस बिल्कुल इम्पैक्ट की वजह से, जो लोग फैसला करना चाह रहे हैं जल्दी जल्दी इसकी तरफ, तो उनके माइंड पे बहुत सारा जो है ना वो असर पड़ता है, तो वो भी इस चीज़ को लेने से वो भी कतराते हैं, तो इस चीज़ से भी जो है ना वो फ़र्क पड़ता है। बट साहब मैं आपकी बात से इतफाक़ करता हूँ, लेकिन प्रॉपर्टी चीज़ ऐसी है, इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज़ है जिसमें रिस्क फैक्टर हमेशा रहता है, बिल्कुल ऐसे आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप गेन भी नहीं कर सकते, आप पेन नहीं लेंगे गेन भी नहीं करेंगे, ये सूरत हाल है यहाँ पे। शुक्रिया महमूद भाई भट्टी, शुक्रिया आपके दर्जियों का, और बहुत बहुत रियलिस्टिक आपने बातें की महमूद भाई। इंशाल्लाह फिर किसी दिन बैठेंगे गपशप।